हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने शेयर किया ये दाल मखनी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज ये बनती है और बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट आता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरा रेसिपी फॉलो करते हैं तो आपकी दाल मखनी भी बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और ये आप खा सकते हैं पराठे, नान या फिर जीरा राइस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है इस कटोरी से ये साबुत उड़द, ये पूरा गोटा उड़द है ये मैंने ले लिया है, और इसी कटोरी से 1/4 कटोरी राजमा। तो ये मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और इसे अब हम वॉश कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ऐसे थोड़े रब करके 5 से 6 बार इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा था, तो आप देख पा रहे हो कि ये दाल का कलर एकदम थोड़ा ग्रीनिश सा आने लगा है और ये एकदम ब्लैक थी। इसे वॉश करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हम ये कुकर में लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे, 5-6 विसल में ये अच्छे से कुक हो जाएगी। राजमा कुक होने थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम थोड़ी ज्यादा सीटी लगाएंगे। दाल और राजमा कुकर में मैंने डाल दिया है और इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा सा छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटी इलायची और एक तेज पत्ता। ये तीनों भी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे करीब 1.5 कप। साथ ही मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट में ऐड कर दे रही हूँ। अब हम ये लगा देते हैं गैस के ऊपर। मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया है कुकर, अब वेट करते हैं 5 से 6 विसल का। कुकर ठंडा होने के बाद दाल मैंने निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये दाल कुक हो चुकी है, बिल्कुल इसका छिलका और ये जो इसका स्टार्च होता है ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये इतना कुक होना जरूरी है दाल का। और साथ में मैंने ले लिया था 3 बड़े टमाटर, उनको अच्छे से उसकी ग्रेवी बना ली है। टमाटर थोड़े खट्टे होना चाहिए और पके हुए होने चाहिए लाल। और बटर लगेगा ढेर सारा और 2 टेबल स्पून करीब मलाई लगेगी। और ये ले लिया मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ में थोड़ी कसूरी मेथी और सॉल्ट। तो हमने पहले भी सॉल्ट थोड़ा डाला था इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ही लिया है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो कश्मीरी लाल मिर्च से इस दाल में बहुत ही बढ़िया कलर आता है, तो कश्मीरी लाल मिर्च ही आप यूज कीजिएगा। तो ये 1 टीस्पून मैंने ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम फ्राई कर लेंगे दाल को। मैं ये दाल मखनी हांडी में बनाऊंगी, तो हांडी मैंने रख दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। बटर के साथ ऑयल मैंने इसलिए मिक्स किया है क्योंकि जो हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स वो जले ना, तो बटर अच्छे से गर्म होने देना है। मेल्ट होने लगा बटर और तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये थोड़ा अच्छे से भूनना है हमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने अच्छे से भून लिया है, थोड़ी स्मोकी इसमें से फ्लेवर स्मोकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही में टोमेटो प्यूरी और साथ ही में सॉल्ट। और टोमेटो प्यूरी भी अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे, बटर छोड़ने लगे, तब तक हमें भून लेना है। प्यूरी अच्छे से कुक हो चुकी है, तो इस टाइम पे हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, जो कुक दाल है वो सारी की सारी मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसमें और भी मसाले इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, जो इसका टेस्ट होता है काली उड़द दाल का उसी का फ्लेवर दाल मखनी में बहुत अच्छा आता है। तो एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे हम, बस जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो खड़े मसाले मैंने स्टार्टिंग में ऐड किए थे बस उतने ही मसाले हमें डालने हैं। और साथ ही में मैं अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ कसूरी मेथी थोड़ी क्रश करके, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं डालनी है वरना कड़वी हो जाएगी दाल। और ऐसे ही अभी 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें दाल कुक होने देना है। इस टाइम पे हम थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे थोड़ी वाटर कंसिस्टेंसी के लिए, और ऐसे ही इसे कुक होने देंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा हींग ऐड कर दे रही हूँ। हींग ऑप्शनल है, आपको पसंद है इसका टेस्ट तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करिएगा। और अभी मैं फ्लेम बढ़ाकर, फ्लेम पूरा हाई करके इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए 2-3 मिनट तक और कुक करूंगी। जितना ज्यादा हम ये दाल कुक करते हैं उतना ज्यादा इसका फ्लेवर एनहांस होता है, तो बस ऐसे ही इसे चलाते रहना है। अब फाइनली मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ढेर सारा बटर, करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून।
क्योंकि ये दाल मखनी बटर के बगैर अधूरी होती है, तो हमें बटर अच्छा डालना है। अगर आपको बटर नहीं पसंद तो आप थोड़ा ही डालिएगा, बट डालिएगा जरूर, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ओरिजिनल इसका दाल मखनी का टेस्ट आएगा। बटर मेल्ट होते से ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये मलाई, फ्रेश क्रीम दूध वाली, तो ये भी अच्छे से कुक करना है करीब 2 मिनट तक। बस अब लगभग बनके रेडी है हमारी दाल मखनी। देखिए कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और फाइनली मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ, लाल मिर्च, लहसुन और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने थोड़ा, बस ये इसमें ऐड कर देना है और ये बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब टेस्ट वाली दाल मखनी, आप बनाइएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएगी। और मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ।